ओम शांति। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एकदम आसान तरीके से सिंघाड़ा के आटे का हलवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही झटपट और बिना ज़्यादा समय लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे आधा कप घी लेंगे और मैं यहाँ पे एक कटोरी आटा ली हूँ। आप चाहे तो इसे कप से भी नाप सकते हैं। इसे हमें धीमी आँच पर भूनना है जब तक इसमें खुशबू ना जाए, इससे कलर चेंज ना हो जाए एक तरफ में। तब तक इसका चीनी का पानी तैयार कर रही हूँ। हमें चाशनी नहीं बनाना है। आधा कप चीनी, उसमें मैंने दो कटोरी पानी डाला है और उसे हम घुलने देंगे और इसे हम इधर भी भूनते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। हमारा ये पानी गर्म हो गया। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे और दूसरे तरफ हम अपना सिंघाड़ा का आटा भी भूनते रहेंगे। हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी को मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट हो गया है, हमारा आटा भी भून चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे अपने मनपसंद का। इसे हम फलहारी में खा भी सकते हैं और माता रानी को भोग भी लगा देते हैं, क्योंकि कोई चीज़ हम जब नवरात्रि में बनाते हैं तो माता को भोग जरूर लगाते हैं। अभी हमारा आटा भून चुका है। अभी इसमें हम ये गर्म चीनी का पानी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पानी आटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। ये हमारा हलवा कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे हम जमा भी सकते हैं। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। मैंने इलायची को कूट के डाला है और इसे हम 5 से 7 मिनट तक मिक्स करने के बाद ढक के छोड़ देंगे। देखिए तैयार हो गया एकदम। 5 मिनट के बाद देखिए हलवा का टेक्सचर, अब ये तैयार हो गया है भोग लगाने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। लाइक तो अवश्य करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसे एक बार आप ज़रूर बनाएं, माता को भोग लगाएं और खाएं। आप इसे किसी भी व्रत में तैयार कर सकती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है।